जीवन में एक ही संकल्प, लेना और देना। तो आज था ना, कितना अच्छा था कि उत्साह भरो हर कोई को। तो उत्साह हो, जीवन एंथुजियास्टिक हो, जीवन में उत्साह रहे, उसके लिए क्या करें। निरुत्साह का रीजंस क्या है? निरुत्साह होने का कारण क्या होता है? दे भी माना है। हाँ वही है, एक तो क्वेश्चन मार्क होता है भविष्य का, कुछ भी तो भी एक निरुत्साह हो जाता है कि पता नहीं ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलता रहेगा क्या, तो भी निरुत्साह। और मेहनत ज्यादा होती है और प्राप्ति कम होती है, तब भी निरुत्साह होता है। और नवीनता नहीं होती है ना जीवन में, तभी निरुत्साह होता है ना। और नवीनता के लिए नए नए संकल्प, एकदम जिसको ना शक्तिशाली संकल्प, सदा सिर्फ पॉजिटिव संकल्प भी नहीं, शक्तिशाली संकल्प। शक्तिशाली और पॉजिटिव में क्या फर्क है? पॉजिटिव दुनिया के लिए, हमारे लिए शक्तिशाली। मतलब उसी संकल्प में, पॉजिटिव संकल्प में जब 100% कंफर्मेशन होगी तो शक्तिशाली होगी। नहीं है ही ना, बाबा है ही, मैं हूं ही, तो उसमें वो शक्ति, उसमें शक्ति भरना है। दुनिया में केवल कहते पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, इसलिए वो नेगेटिव में जल्दी आ भी जाते हैं, क्योंकि एक गियर पे गाड़ी होती तो न्यूट्रल में जल्दी आ जाती। तो हम जब 5 गियर में होंगे तो फिर टाइम लगेगा ना। तो साधारणता भी हो तो भी निरुत्साह हो जाते हैं। ठीक है, चल रहे हैं, रोज क्लास कर रहे हैं, उमंग उत्साह, तो जिनका रोज उत्साह होगा वही वहां, यहाँ उत्साह होगा तो वहां उत्साह वाली दुनिया, उत्साह वाला राज्य, क्या था बाबा ने, उत्साह वाला राज्य करेंगे। हाँ यही था ना, उत्साह वाला राज्य में वर्ड बाबा के क्या है, हर सेक, हाँ एक दिन इस विश्व को उत्साह भरा अपना राज्य बना लेंगे। ऑलवेज एंथुसियास्ट। और जब उत्साह होता है ना तो काम छोटा लगता है, उत्साह नहीं होता है तो बहुत, वो बात भी बहुत बड़ी लगती है, अरे क्या है वहां जाना। और जब उत्साह होता है तो रोज कितना ट्रेवल करते, गुड़गांव कार्ड देने जाते शादियों के, अप डाउन करते तो कुछ लगता भी नहीं, उत्साह है। तो इसलिए क्लास कभी कभी, अगर परिस्थिति ऐसी है तो बात अलग है, लेकिन अगर क्लास नहीं कर रहे हैं, अगर कहीं सेंटर पे, ये भी कुछ एक सिम्टम हो सकता है, उत्साह नहीं है। नहीं तो क्या कारण है? ऑल द वे हम गुड़गांव अप डाउन कर सकते हैं, फरीदाबाद अप डाउन कर सकते, कौन जाता है ओल्ड दिल्ली, दिल्ली अप डाउन कर सकते हैं, क्लास क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उत्साह नहीं है। और जहां उत्साह का स्तोत्र है वहीं तो हमको पूरा भरना है। तो स्टार्ट ऑफ द डे उत्साह से, वाह आज मुझे क्लास में जाना है, भगवान के घर जाना है, भगवान से मिलना है, ये उत्साह नहीं ला सकते कि लगेगा रूटीन है, ठीक है चलते। उत्साह, ये उत्साह, तो इसलिए दूसरों को, और दूसरों को भी निरुत्साह नहीं करो। अगर सपोज कोई उत्साह से हमें प्रपोजल रखता है, फिर वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, फिर क्या करें उसको प्रपोजल को, नहीं पॉसिबल नहीं है। मतलब ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी नहीं, बाद में हमारी दुआएं वो वैसी हो जाएगी। तो वो भी एक निरुत्साह नहीं होना और निरुत्साह नहीं करना, ये भी इम्पोर्टेंट। तो उत्साह भरा राज्य, दुआओं से भरा राज्य। तो आज का क्या होमवर्क होगा? उत्साह में करेंगे, उसके लिए कोई नवीनता, बाबा की,
भाई साहब को पूछा कि क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, बोला मैं हर कर्म में, जो भी कर्म में मैं शुरू करता हूँ उसमें बाबा को मतलब बाबा की प्रेजेंस की फीलिंग, तो भी एक उत्साह होगा कि बाबा के पास है, बाबा मेरे साथ है, बाबा कमाई है, कितना हमारे लिए उत्साह के लिए कितने सारे क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट्स है, रियलिटी है, अनुभव है आत्माओं के, तो ये हाँ, बहुत पॉइंट्स है। उत्साह हो, उत्साह होगा तो कार्य दूसरों का भी उत्साह बढ़ेगा और दुआएं मिलेगी, दूसरा भी खुशी खुशी के एनर्जी वातावरण में सेवा करने में भी एक लाइटनेस होती खुशी भी और उत्साह भी। उत्साह बढ़ा या खुशी बढ़ी है बोलो भाई, ये सब उत्साह बढ़ा है। हाँ, उत्साह होगा तो खुशी होगी उत्साह उत्साह एंथुजियाज्म होगा तभी खुशी आएगी। और एंथुजियाज्म, इसलिए जील, उमंग और उत्साह। उत्साह मतलब उत्साह और खुशी, उत्साह एक्चुअली उत्साह मतलब एक जैसे एनर्जी है, खुशी ये एक स्टेबिलिटी है, जैसे आत्मा खुद सुख स्वरूप है, स्टेबिलिटी, मैं खुश हूँ ये स्टेबिलिटी का है, उत्साह मतलब एनर्जी है ना, नाचता है ना वो मतलब खुशी स्टेबिलिटी भी हो और उत्साह भी, स्टेबिलिटी ओनली स्टेबिलिटी नहीं, उत्साह। आज पूरा दिन देखना कितना उत्साह रहा, पूरा टाइम खुशी होएगी तो उत्साह भी रहेगा, सोचो इस पर, मुझे मेरे हिसाब से ये है। सब मेरी प्रॉपर्टी है, सोचो सोचो, सब में ज्ञान का भंडार भरा है, ठीक है, तो यही करना है, जैसे हम कहते हैं ना खुश रहते, खुश रहते उसमें जैसे स्टेबल है मेरे हिसाब से। उत्साह से खुशी होगी सोचते जाओ, ठीक है, तो सभी कल उत्साह से आएंगे ना, एकदम समय पर पहुंच जाए, एक दिन तो कमिटमेंट रखेंगे ही, सैटरडे और संडे 7:15 बजे, हाँ 1 घंटा बैठेंगे ना सभी, उठ के तो नहीं जाएंगे, टोली भी मिलेगी, भंडारे भगवान शांति वन के भंडारे वाले हैं तो फिर टोली तो मिलेगी हमको, ठीक है, ओके।